हमारे को रेलवे लाइन चाहिए था। उन्होंने बोला रेलवे लाइन पहुँचेगी, जीतेंगे तो रेलवे लाइन, वैसे जीतेंगे ही वो। रेलवे लाइन आनी चाहिए, उसमें हमारा ट्रांसपोर्ट का, जैसे हम टमाटर वगैरह लगाते हैं तो टमाटर के लिए हमारे को ले जाने के लिए गाड़ियाँ करनी पड़ती, पिकअप छोटी, तो उसमें ले लेते 10-12 हज़ार। ट्रेन लाइन आएगी तो ज़्यादा माल ले जाएगी, हमारा किराया कम लगेगा, तो हमारे को बेनिफिट मिलेगा ज़्यादा उससे। तो चाहते कि हमारे को सरकार बीजेपी की आनी चाहिए। अजय सिंह एड जी के लिए उन्होंने 1500 रुपये का वायदा किया था, वो अभी तक तो उन्होंने पूरा नहीं किया, कुछ नहीं किया ऐसा। इन्होंने मतलब ऐसे कोई वायदे सारे झूठे किए हैं हमारे यहाँ, कुछ नहीं इन्होंने पूरा किया यहाँ। उन्होंने बताया 2 रुपये किलो मतलब गोबर और 100 रुपये किलो भैंस का दूध और 70-80 रुपये किलो गाय का दूध। तो गोबर तो आज तक बिका कुछ नहीं है, दूध नहीं अभी 100 तक को बिका नहीं। गोबर का पूरा स्टॉक लगा हुआ है, 5-6 ट्रालियाँ 7 ट्रालियाँ पड़ी होनी, मैं भी उसी चक्कर में लगाया था कि कुछ पैसा आएगा, वो तो खराब हो जाएगा सारा। खेत में कितना फेंकेगा, 2 बीघे खेत है उसमें कितना फेंकेगा, 6 ट्राली थोड़ी फेंकेगा उसमें। एक तो इन्होंने ऐसा चलाया हुआ है, अभी देखो परी पार्टी चला रखी है, और इधर भी देखो पीडब्ल्यू मिनिस्टर बने हैं मतलब आज MLA जीत के, तो अब एक भूख इनकी मतलब खत्म नहीं हो रही। अभी साइड जा रहे हैं MP के लिए, तो कुछ और किसी को भी यहाँ कई ऐसे पढ़े लिखे और अच्छे मतलब उसमें उनको देना मौका देना चाहिए था। तो इन्होंने फिर वही चलाया पुरानी परी पार्टी, इससे लोगों में निराशा है। बिल्कुल ऐसा चाह रहे हैं हम भी यहाँ अपना मतलब MP जो है वो मोदी सरकार का ही बने, ताकि हम यहाँ काम फटाफट जो भी रुके पड़े हैं उनको ठीक ढंग से करें। और जैसे ये 4 लाइन बनी तो इससे भी हमें बहुत फायदे हुए हैं, और हमारे खेती में जैसे ट्रैक्टर वगैरह में कोई सामान लेना तो खेती में ही हमारे गाड़ी वगैरह पहुंच जाती है, पहले हमें सिर में सारा कुछ सामान लेकर घर पे आना पड़ता था, ऐसा है।